प्रोजेक्ट के मूवी को लेकर के आज एक चीज बहुत ज्यादा घूम रही है जिसके ऊपर हम बात कर लेनी चाहिए, और एक चीज मैं मिस कर दिया था उसको भी हम इसमें लपेट लेंगे। कैसे? क्योंकि प्रोजेक्ट के मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो होने वाली है, संतोष नारायण। तो गाइस, संतोष नारायण का अभी प्रोजेक्ट के मूवी के ऊपर एक बयान आया है, और बेशक वो दिल खोल के ही तारीफ कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, विजुअल कमाल का होने वाली है, बीएफएक्स कमाल का होने वाली है, इसमें जो दुनिया दिखाई जाएगा वो दुनिया भी बहुत ही कमाल का होने वाला है, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। यस भाई यस, अगर फ्यूचर का होगा तो बड़ा ही कमाल का होगा बेशक। तो वो एक चीज कहते हैं गाई जो कि शॉकिंग है और मजेदार भी है। देखिए, हमें ये जो मिकी जे मेयर प्रोजेक्ट के मूवी की जो मतलब पहले हम म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से जिनको जानते थे, मिकी जे मेयर, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट के मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हम जानते थे, लेकिन उनको रिप्लेस किया गया बोल के हम कब जाने, तकरीबन 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले बोलेंगे भी तो चलेगा, कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि मिकी जे मेयर को रिप्लेस कर दिया गया है, और अभी संतोष नारायण जी को म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से रखा गया है। लेकिन अभी संतोष नारायण जी का बयान आया है कि प्रोजेक्ट के मूवी के साथ वो तकरीबन 1 साल से जुड़े हुए हैं। जी हाँ गाइस, तकरीबन 1 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अपडेट आया अभी अभी कि मिकी जे मेयर को रिप्लेस किया गया, संतोष नारायण जी को रखा गया है। लेकिन ये काम बहुत पहले से हो चुका था गाइस, बहुत पहले से हो चुका था। ओके, इसलिए हमें मतलब हमें झटका सा लगा था कि मिकी जे मेयर को क्यों हटा दिया गया, संतोष नारायण जी को क्यों रखा गया। एक्चुअली ये काम जो है ना वो 1 साल पहले से हो चुका है। तो अभी मैं जो मिस कर दिया था उसके बारे में बताना चाहूंगा, और वो है दशहरा मूवी का गाना, जो कि मिकी सॉरी ये संतोष नारायण जिसको म्यूजिक दिया है, और वो गाना है वो जो कौन सा चमकीला अंगेलेसी। ओके, उसका मैं 3 लैंग्वेज में देखा हूँ, हिंदी में, तमिल में और तेलुगु में, और तीनों में से अगर गाने की बात करें तो म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो देख करके एकदम से पुष्पा मूवी का भी वाइब्स आ रहा है दोनों को देख करके। और ये एक शादी के टाइम पे साला साली को लेकर के एक मस्ती मिजाज वाला गाना है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, चमकीला अंगेले से ऐसे करके कुछ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तीनों लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज का गाना मुझे ज्यादा अच्छा लगा, अगर उसकी बात करूं तो मुझे तमिल वाला बहुत अच्छा लगा, तमिल वाला बहुत अच्छा लगा, रवि कौन है ये अनिरुद्ध रविचंद्र के, उनके वॉइस और उनका जो है मुझे उसका मतलब गाना तो सब कुछ सेम है लेकिन लिरिक्स और सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला। आपको कौन सा अच्छा लगा था जरूर कमेंट करना। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।